गाइस गुड मॉर्निंग, आज आए हम गोरेगांव फिल्म सिटी। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई का फेमस फिल्म नगर ही है। क्या पता है, गोरेगांव स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर पे पीछे देख रहे हैं फिल्म सिटी है। गोरेगांव फिल्म सिटी का एंट्री गेट है। ये है टिकट काउंटर दोस्तों। मॉर्निंग 10:30 को टिकट काउंटर ओपन हो जाता है। टिकट चार्ज है इंडियन हो तो पर पर्सन 999 और फॉरिनर को 3000। आपको बुक माई शो में भी टिकट बुक कर सकते हैं। मॉर्निंग 11 बजे से शाम का 6 बजे तक स्लॉट अवेलेबल रहते हैं। गाइस ये बस में बैठ के हम लोग आज पूरा फिल्म सिटी का जर्नी करेंगे। ये तो बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं, ये रही आवाज। भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया। ओए होगी, ओए मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अपन तेरी करूंगा ढाके टेके। शायद देखा होगा कभी आप लोगों ने, है ना? यस, अग्रिंद कॉकरोच। और ये किसकी आवाज है? अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, चलो कोई भी आता है बजा के चला जाता है और चलो हमें मारो। तो ये हो गई फिल्म सिटी में एंट्री हमारी। एक्सक्यूज मी, हेलो। अपनी जिंदगी में आपने बहुत सारे सफर किए होंगे, थोड़ा हटके होगा, मजेदार हो। गाइस ये हमारा बस का गाइड थे, काफी मजेदार थे, बड़े एंटरटेनमेंट के साथ पूरा इंफॉर्मेशन भी दे दिए थे। ये राइट साइड में दिख रहे संजय लीला वंशाली का सेटअप है। यहाँ पे देवदास, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, गंगूबाई, इन सब फिल्मों का शूटिंग हुआ था। ये है मराठी बिग बॉस का सेटअप है। गाइस ये देखो लेफ्ट में सलमान खान का बिग बॉस का घर। बाहर से देखे हुए तो आपको ऐसा लगेगा नहीं बिग बॉस का घर। इधर सलमान खान सैटरडे और संडे आ जाते हैं। दोस्तों मुंबई फिल्म सिटी दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी नाम से प्रचलित है। ये फिल्म सिटी को 1977 में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का अंडर स्थापन कर दिया था। फिल्म सिटी करीब 520 एकड़ में बना हुआ है। एक में मुंबई फिल्म सिटी को दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी नाम से नामांकन कर दिया गया है। दादा साहेब फाल्के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। दोस्तों ये बंदा है रोहित सोलंकी, आज इन्होंने मुझे काफी मदद किया वीडियो शूट में, थैंक यू रोहित। ये मंदिर आपने देखा होगा, कोई भी पिक्चर देख लीजिए, स्वर्ग पिक्चर में गोविंदा जी खाना बांट रहे हैं, दिल पिक्चर में नकली नट अनुपम खेर यहीं से दे भाग रहे हैं, है ना? रेखा की फिल्म यादों की बीवी हो तो वैसी ऐसी, अच्छा ऐसी थी। यहीं पर एक फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ की सांप वाली फिल्म, चाय का कर्ज ना, दूध का कर्ज। अच्छा दूध का था क्या? दोस्तों ये है आप देख रहे हैं नागिन फिल्म का शूटिंग। गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, हाँ ऐसा घुमा, गोल गोल घुमा, कमर
सर जी, आपके राइट में फिल्म सिटी के मैन ऑफिस, शूटिंग के लोकेशन यहीं से रेंट पे लिए जाते हैं सर। ठीक सामने वाली बिल्डिंग दिख रही व्हाइट वाली, ये सर। अच्छा ये जो एम बना हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ब्लू कलर का गेट, सिर्फ इस पे बोर्ड लगाना रहता है दिल्ली का एयरपोर्ट हॉस्पिटल कॉलेज सिटी सेंटर बनता फिल्म ऑफिस, नागपुर मेडिकल कॉलेज बना था कुछ दिन पहले, वो मैगजीन डर। आप देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वही सोसाइटी है ये, गोकुलधाम सोसाइटी है, उसका पूरा सेटअप लगा हुआ है इधर। सर इसी जगह पर दिल्ली का चांदनी चौक बनता फिल्मों में से फिल्म, ठीक है, और ये नहीं फिल्म सिटी की मेन ऑफिस, ठीक है, और ये एटीएम असली है, यहाँ पे खाली बोर्ड लगाते हैं, लिखते हैं एयरपोर्ट दिल्ली का कॉलेज हॉस्पिटल पसंदा सुभाष गई जी की ऑफिस, राउडी राठौर का गाना ही होता ढिक चाचा चाचा चाचा, ठीक है। आपके घर पे टीवी पर एड आ रहा है इस समय करी सच का, बच्चन साहब बैठे होते एक लड़की के ऊपर तुम्हारे सोच करता है। मैडम जी ये बताइए क्या चीज है येलो वाली बिल्डिंग जी, ये दुनिया सबसे बड़ी कोर्ट या अदालत है, सिर्फ यहाँ पे कोर्ट लगाएंगे लिखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पंजाब कोर्ट दिल्ली कोर्ट उड़ीसा कोर्ट आसाम कोर्ट गुवाहाटी कोर्ट, यहीं पे सनी देओल ने डायलॉग बोला था याद होगा आपको, किस अदालत से सट करिए, ऊपर वाले की अदालत चर्च, इधर से अदालत इधर से चर्च है, और चर्च के आगे में क्रीम कलर की बिल्डिंग बालकनी दिख रही है, फिल्म हेरा फेरी में बाबू भाई की चौल है, चलो दादा निकालो, और इसी के पीछे में कपिल शर्मा का शो चलता है सर। दोस्तों अभी आ गए हम बॉलीवुड पार्क में, ये सामने दिख रहा है बॉलीवुड पार्क का एंट्री गेट है। गाइस बॉलीवुड पार्क का एंट्री मारते लेफ्ट साइड का ये दृश्य है, ये नज़ारा है, सब सारे बॉलीवुड एक्टर का पेंटिंग किया पोस्टर बना हुआ है। अरे काट कुट कर देखा था हमको पहचाना नहीं, हम पीके हो पीके, अरे हम यहाँ आया, अरे हमारा फ्यूज ही उड़ गया, अरे यार लेडीज का फैशन वाला जेंट्स का फैशन वाला हम दोनों पहन लिया, हम तो सोच रहा है यह आधार कार्ड बनवाने का बॉलीवुड पार्क में हम सेटल हो जाएगा, बहुत बढ़िया बोला है हमरे गोला से, एक गोला सुंदर। ये है सेल्फी स्पॉट, आप अलग अलग प्रॉप यूज करके इधर सेल्फी ले सकते हैं, जैसे गोलमाल का बाइक है और बाहुबली का ड्रम्स है और जेल भी है और 3 Idiots का सीटिंग पोज भी है, काफी वैरायटी का प्रॉप है इधर।
दोस्तों ये एक कैफेटेरिया है, इसमें आपको टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मिल जाएगा। गाइस ये बॉलीवुड थिएटर है, इसके अंदर आपको 3D एनिमेशन का मूवी दिखाया जाएगा। ये है क्रोमा स्टूडियो और रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इधर आपको क्रोमा शूट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा एग्जैक्टली फिल्म बनती कैसे है, फिल्म बनाने के बाद उसमें किस तरह से आवाज़ भरी जाती है, किस तरह से उसे डबिंग होती है, किस तरह से विजुअल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे आपने इस फ्लोर पे एंटर किया होगा, आपने देखा होगा इस ग्रीन पर्दे को, कोई जानता है कि इस ग्रीन पर्दे के बारे में? क्रोमा। ओके, क्रोमा फ्लोर है ये। यहाँ पे ना आर्टिस्ट परफॉर्म करता है और उसके पीछे हम कुछ भी विजुअल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एनिमल अटैक हो या कोई ब्लास्ट वाला सीन हो, तो ये सब सारे हम अटैक इसको अटैच करके हम एक वीडियो एडिट करके वो आपको दिखाया जाता है, बनाया जाता है। तो इसको और इजी करने के लिए मैं आपको एक AV दिखाने वाला हूँ, तो AV में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्रोमा फ्लोर पे आर्टिस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं और उसको एडिट कैसे करते हैं। हेलीकॉप्टर आसमान ने स्टूडियो में हैंग किया हुआ है और श्रद्धा किसी समुंदर में नहीं तो इसी ग्रीन फ्लोर पे गिरती है। अभी हम जाएंगे वैक्स म्यूजियम, इधर आपको अलग अलग वैरायटी का वैक्स स्टैचू देखने को मिलेगा। फाइनली अभी जाएंगे हम बॉलीवुड शो में,
में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जैसे कि निकी और जादुई बबल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मेरे साईं मेरी दुर्गा। तो आज मैं आपको होस्ट करने वाली हूँ। आर यू गाइस एक्साइटेड? 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं। कैसे हैं आप लोग? कभी आप लोग ने हैंडसम नहीं देखा? पहली बार देखा। मेरे को देख लो, मार्केट में मैं एक ही पीस हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कोई सत्संग में आया हूँ और मैं कोई बाबा हूँ जो आप लोगों को प्रवचन सुनाने वाला हूँ। अरे भाई बालोट पार्क में जरा जोरदार तालियां हो जाए आपने। गाइस, बॉलीवुड पर आज का जर्नी का लास्ट स्पॉट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो, और नया व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।